ठीक है जी, अगला जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो पूरा आपका करिकुलम है यानी साइंस जो आपको चौथी से लेके आठवीं तक पढ़ानी है, पहली से लेके तीसरी तक आपको साइंस के नाम से नहीं पढ़ानी बल्कि जनरल नॉलेज के नाम से पढ़ानी है। चौथी से लेके आठवीं जमात तक जब आप साइंस पढ़ाएंगे तो उस साइंस के मौजूदात क्या होंगे और उस साइंस के जरिए आपको बच्चों को क्या तब्दीली लेकर आनी है, ये हमारा इस वक्त का मौजू है। क्या टॉपिक पढ़ाने हैं और उन टॉपिक के जरिए क्या तब्दीली लेकर आनी है बच्चे में, ये हम समझने जा रहे हैं। यानी एम हमारा क्या है साइंस पढ़ाने का। तो मैंने यहाँ चार जो है वो बॉक्सेस बनाए हैं, एक का नाम है नॉलेज, एक का नाम है स्किल्स, एक का नाम है एटीट्यूड और एक का नाम है एसटीएसई। नॉलेज का मतलब बच्चों को क्या नॉलेज दी जाएगी, बच्चों को जो नॉलेज दी जाएगी, जो इल्म दिया जाएगा उसका दायरा क्या है। स्किल्स का मतलब उन नॉलेज के जरिए बच्चों में कौन सी स्किल्स पैदा की जाएंगी, क्या महारतें बच्चों में डेवलप करनी इस नॉलेज की बुनियाद पर, और इसी नॉलेज की बुनियाद पर बच्चे का क्या एटीट्यूड डेवलप करना है, उसका बिहेवियर और रवैया कैसा होना चाहिए जो आप इस नॉलेज के जरिए बच्चे में क्रिएट करेंगे, और इस नॉलेज के जरिए उसका एस टी एस ई डेवलपमेंट कैसे होगी। एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर हमने कोई नया मेथड बनाया कि जनाब जिससे बिजली बहुत बनेगी, ठीक है, लेकिन उससे इतनी पोल्यूशन होगी कि जितनी जो है वो फर्ज कीजिए कि प्लास्टिक जलाने से होती है उससे ज्यादा होती है, कोयला जलाने से होती है, 10 गुना ज्यादा पोल्यूशन होगी। बिजली बहुत जल्दी बनेगी, सस्ती बनेगी, लेकिन पोल्यूशन 10 गुना ज्यादा होगी। तो जो सही साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट होगा उसका साइंसी नॉलेज के साथ ये बिहेवियर क्रिएट होगा या जहन ये साजी इसकी होगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसे रखना है सोशल इन्वायरमेंट के साथ। अगर सोशल इन्वायरमेंट आपका खराब हो रहा है, उसमें सोशल का मतलब आप जिस समाज में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उस माशरे में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों के दरमियान फड्डे हो रहे हैं और खून खराबा हो रहा है, तो भाई वो साइंस की टेक्नोलॉजी आपको बंद कर देनी चाहिए, या उससे इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है तो अब वो जो आपने टेक्नोलॉजी बनाई है उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये इस चार्ट के अंदर ये बताया गया है कि क्या नॉलेज देनी है, उस नॉलेज के जरिए क्या स्किल्स पैदा करनी है, और उस नॉलेज के जरिए बच्चों के क्या रवैये बनाने हैं, और उस नॉलेज के जरिए उनका रिलेशनशिप कैसे बनाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए सोशल इन्वायरमेंट को देखते हुए क्या रिलेशनशिप होगा। अब इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। नॉलेज, साइंस की नॉलेज बुनियादी तौर पर तीन है जो चौथी क्लास से आठवीं तक आपको देनी है। नंबर एक लाइफ साइंस, नंबर दो फिजिकल साइंस, नंबर तीन अर्थ साइंस। लाइफ साइंस के अंदर जानवर, पौधे, ठीक है, सेहत, गिजा, सेल, ये सब मौजूद आ जाते हैं जो हम हर किताब में देख रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ जानदारों और लिविंग थिंग्स से मुतालिक आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, ये सब क्या है, लाइफ साइंस हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर पौधे और जानवर, ठीक है, और छोटी क्लासेस में इनका तारुफ होता है, बड़ी क्लासेस में इनके सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, पौधों के सिस्टम क्या हैं, जानवरों के सिस्टम क्या हैं, बड़ी क्लासेस में इन सारे सिस्टम्स का आपस में बाहमी रिलेशनशिप भी बताया जाता है। तो ये कहलाता है आपका लाइफ साइंस। उसके बाद है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपके पास मादा आ गया, ठीक है, यानी जो बेजान चीज़ें हैं और जो बुनियादी उसूल हैं, जिसमें फिजिक्स के उसूल भी आ गए और केमिस्ट्री भी आ गई, यानी एटम क्या है, उसकी कितनी किस्में, कितनी हालतें, मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है, वो कौन सी थ्योरीज हैं जो इनको आपस में मिलाती हैं, ठीक है, पानी कैसे भाप में कन्वर्ट होता है, साइंस के फिजिक्स के उसूल भी इसमें आ जाते हैं, एवापोरेशन कैसे होता है, ठीक है, चांद ग्रहण कैसे होता है, जलजले कैसे आते हैं, ठीक है, बुखारात कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी जो आपके नॉन ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग मटेरियल जो दुनिया में पाया जाता है उनको हम पढ़ाते हैं फिजिकल साइंसेस के अंदर। और तीसरा है अर्थ एंड स्पेस साइंस, सही है, यानी जो आपकी जो पूरी अर्थ है
उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसकी फजा में क्या है, और फजा से बाहर अगर आप चले जाएं स्पेस के अंदर, तो वो क्या है, निज़ाम शमसी क्या है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी बातें हम किस में पढ़ा रहे होते हैं, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के अंदर। तो बुनियादी तौर पर चौथी क्लास से लेके आठवीं क्लास तक जितनी साइंस है वो इन तीन हिस्सों में बटी हुई है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ साइंस, ठीक है। अच्छा, अब इनको जब हम पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों में क्या स्किल्स पैदा करनी है। पहली स्किल है साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी आप साइंस पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है वो साइंसी जहन नहीं बना पा रहा, ठीक है, वो जो साइंटिफिक इंक्वायरी हमने आपको अभी 5-7 चीजें लिख के दिखाई थी उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा, तो इसका मतलब ये है कि साइंस तो पढ़ाई जा रही है उसमें स्किल कोई पैदा नहीं हो रही। इसी तरह इनिशियलाइजिंग एंड प्लानिंग, इनिशियलाइजिंग एंड प्लानिंग का मतलब ये है कि बच्चा साइंस पढ़े और पढ़ने के बाद उसमें इतनी महारत पैदा हो जाए कि वो चीज़ों को इनिशियलाइज कर सके, स्टेप्स ले सके। हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि भाई हम एवेपोरेशन हो रहा है, और बच्चों से कहते हैं आप घर पे जाना, घर पे ये एक्सपेरिमेंट करना, कितने बच्चे करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते, क्यों नहीं करते, प्रॉब्लम है इनिशियलाइजिंग, स्टार्ट नहीं लेता बच्चा, किसी काम को करने का सोचता है दिमाग में बस, उस काम को फिजिकली अंजाम देने के लिए स्टार्ट लेना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, ज़्यादातर लोग स्टार्ट नहीं लेते, सोच के रह जाते हैं, ठीक है। तो हम साइंस पढ़ाने के दौरान बच्चों के अंदर ये महारत पैदा करें कि वो इनिशियलाइज कर सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें कि मैं ये बात को कैसे करूँगा। उसके बाद है परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग, इनिशियलाइज हो जाता है बाज़ औक़ात लेकिन प्रैक्टिकल लंबा है, बहुत देर तक चलेगा, सही है, उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम चीज़ें इनिशियलाइज कर देते हैं बीच में छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होगा, ये मुश्किल काम है। और इसी तरीके से रिकॉर्डिंग, यानी जो आपने जब तजर्बा आप कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उससे क्या नतीजे निकल रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी करना कि ये नतीजा निकला, ये नतीजा निकला, ये महारत बच्चों के अंदर पैदा की जाए साइंस पढ़ाकर। और कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, सही है, यानी साइंस पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हों, क्योंकि बात यह है कि जब वो किसी साइंसी मौजू पर काम करता है तो उसे अपने अपनी चीज़ अपने ख्याल का इजहार करना पड़ता है, बाज़ औक़ात उसका इजहार उन लोगों के सामने भी करना पड़ता है जो उसके सब्जेक्ट से मुतालिक नहीं होते। यानी अगर एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है, फिज़िक्स पढ़ रहा है, और उसको फिज़िक्स के अहम उसूल को अपने छोटे बहन भाइयों को बताना है, तो वो क्या ये बोलेगा कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो, तुम बहुत छोटे दिमाग के हो, मैं तुम्हें नहीं बताता, या वो कोशिश करेगा कि वो जो बात उसने सीखी और समझी है उसको आम लफ्ज़ों में कॉमन अंदाज से दूसरों को भी बयान कर सके। तो कम्युनिकेशन की एबिलिटी उसमें पैदा करनी है, और टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब ये क्लास में ग्रुप के साथ मिलकर काम कर सके, ठीक है। अच्छा, क्या एटीट्यूड क्रिएट करना है, अप्रिसिएशन ऑफ साइंस, यानी अगर साइंस आपने पढ़ाई चौथी से आठवीं तक या पहली से आठवीं जमात तक, और नवीं जमात में जाके उस बच्चे से पूछा आप आगे साइंस पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे, उसने कहा मैं कॉमर्स पढ़ूंगा, उसने कहा मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि उसने इस सारे सालों में साइंस को अप्रिशिएट नहीं किया, उसने उसको बस जैसे पढ़ते हैं ना सीधा सीधा, वो सीधा सीधा पढ़ता चला गया। होना ही चाहिए कि स्टूडेंट अप्रिशिएट करे साइंस को कि वाह ये कैसा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, कितना डायनेमिक है और कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हमको पढ़ने के लिए मिली, तो उसमें अप्रिसिएशन ऑफ साइंस का एटीट्यूड पैदा हो जाए, इंटरेस्ट इन साइंस, साइंस में दिलचस्पी उसकी वाजे हो जाए, साइंस इंक्वायरी, वो घर के अंदर आम जिंदगी में भी सवालात साइंटिफिक सोच के साथ करे, ठीक है, यानी उसको अगर ऐसी बात बता दें तो उसको मानने के लिए तैयार ना हो बल्कि दलील और रीज़न ले रहा हो, हम बोलेंगे इसके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस इंक्वायरी की एबिलिटी, उसका एटीट्यूड डेवलप हो गया है, ये चीज़ों को ऐसे ही नहीं ले लेता बगैर किसी रीज़न के, बल्कि वो रीज़न मांगता है। उसके बाद कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलके काम करना, ये आदमी की स्किल्स भी होती है और आदमी का रवैया भी होता, सही, लोगों के साथ मिलके काम करने की का रवैया उसका हो, एटीट्यूड हो, झट खफा नहीं हो जाता हो, वो ये नहीं बोलता हूँ मैं बड़ा हूँ सब मेरे अंडर काम करो, अगर मुझे बड़ा नहीं बनाओगे तो मैं काम ही नहीं करूँगा, जाओ, तो हम बोलेंगे इसमें कोलैबोरेशन नहीं है, कोलैबोरेशन का होता है टीम का पार्ट बन जाना,
टीम का पार्ट बन के काम करना। और स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप का मतलब होता है हार्डशिप, सख्त मेहनत, सख्त जद्दोजहद। साइंस पढ़ने के लिए, जो रियल तरीके से आप साइंस पढ़ेंगे, इंक्वायरी बेस्ड मेथड से पढ़ेंगे, उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक की सड़क नापनी पड़ेगी, आपको बाहर निकल के फील्ड में काम करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नाजुक मिजाज हैं, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि इस बच्चे ने साइंस तो पढ़ी है लेकिन साइंसी एटीट्यूड डेवलप उसका नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम अगर कहें कि जो पढ़ा रहे हैं आप, उस पढ़ाने से रिलेशनशिप कैसे सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे, वो मैंने भी आपको बताया कि साइंस पढ़कर बच्चा जब कोई नई डेवलपमेंट कर रहा हो तो वो इस बात का ख्याल रखे कि वो सोसाइटी का पार्ट है, उसकी किसी नई डेवलपमेंट से सोसाइटी को नुकसान ना हो। इसमें लफ्ज इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये बात सब टीचर्स को पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी साइंसी उसूल की बुनियाद पर कोई ऐसी चीज बनाना जो इंसान के लिए मुफीद हो। ठीक है, जब तार में से करंट गुजारते हैं तो तार गर्म हो जाता है, जूल का कानून है ये। एक आदमी था, उसका नाम था जूल, उसने ये बात वजह की, ये बात पहली बताई, पहली बार दुनिया में, कि अगर किसी तार में से आप करंट गुजारोगे तो तार गर्म हो जाएगा। तो ये उस